नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो CISF का दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों यहां पर एक वैकेंसी निकल कर आई है जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आइए इस वैकेंसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है CISF में, यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर, और दोस्तों कांस्टेबल या ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर ड्राइवर फॉर फायर सर्विसेज इन CISF 2022। देखिए आपका ये जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों जो भरा जाएगा वो आपका 23 जनवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 तक ये आपका फॉर्म भरा जाएगा, और 22 फरवरी 2023 को रात को 11 बजे तक इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि इस फॉर्म को भरने के लिए सिर्फ कौन से लोग एलिजिबल हैं। करें ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन, तो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल नहीं। और दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये देख सकते हैं कांस्टेबल का है, ड्राइवर का है, एंड कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर और ड्राइवर फॉर फायर सर्विसेज के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपका जो पे मैट्रिक्स रहने वाला है दोस्तों आपका 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ रहने वाला है। और आपको बता दें इसमें 451 पदों पर ये लगभग वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो ज्वाइनिंग होगा दोस्तों, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST कराया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, ट्रेड टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन होगा, वो जो MR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी होगा आपको बताया जाएगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। ठीक, तो इन सब के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल बताया गया है। और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 451 पदों पर ये टोटल दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर वैकेंसी जो है दोस्तों कांस्टेबल ड्राइवर का डायरेक्ट के अनयूजर कैटेगरी में 76 सीट है, 27 सीट है SSC का, 13 सीट है ST का, OBC का दोस्तों यहाँ पर 49 सीट है, 18 सीट है EWS का, 183 टोटल यहाँ पर सीट है कांस्टेबल या ड्राइवर का। ठीक, और ESM का दोस्तों एक्स सर्विस मैन का 18 सीट है। ठीक, अगर यहीं पर बात करें दोस्तों हम लोग कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर ड्राइवर फॉर फायर सर्विस डायरेक्ट के लिए 111 सीट है अनयूजर कैटेगरी के लिए, 40 सीट है SC के लिए, 19 सीट है ST के लिए, 72 सीट है OBC के लिए, 26 सीट है EWS के लिए, 268 सीट है टोटल। ठीक, इस तरह से दोस्तों अगर देखें तो एक्स सर्विस मैन में यहाँ पर 27 सीट है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए टोटल मिला के तो अनयूजर कैटेगरी में 187 सीट है, SC का 67 सीट है, ST का 32 है, 121 सीट है OBC का, 44 सीट है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, और 451 टोटल यहाँ पर पदों पर वैकेंसी निकाली गई है जिसमें से 45 पद एक्स सर्विस मैन के लिए है। तो ये हो गए दोस्तों वैकेंसीज में जो भी आपका है कैटेगरी वाइज, इन सब के बारे में हो गया। अब यहाँ पर देखिए, बाकी यहाँ पर बताया गया कि व्हाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एनएक्जरी फर्स्ट कैंडिडेट मस्ट इंश्योर टू फिल करेक्ट नंबर ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, ये सब आपको सही भरना है दोस्तों। और देखिए आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सब आप अपने यहाँ से देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर बताया गया है कि देयर आर फॉलोइंग 2 स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट बिफोर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन कराने से पहले दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर दोस्तों जो होना है, यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर आपका क्या क्या होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर PhD कराया जाएगा। ठीक, तो PhD होगा या PET, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टेस्ट कराया जाएगा। दूसरा जो होगा ये आपको OHMR बेस्ड या CBT मोड रिटर्न एग्जामिनेशन कराया जाएगा, जो कि आपका बायलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध होगा। ठीक, और यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि जो फर्स्ट कि इफ़ रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन फर्स्ट स्टेज द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर सेकेंड स्टेज वुड प्योरली डिपेंड ऑन मेरिट इन द रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर विच क्वालिफाइंग मार्क वुड बी 35% फॉर अनयूजर कैटेगरी EWS एंड ESM, 33% रहेगा SST और OBC वालों के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं
फाइनल सिलेक्शन जो होगा दोस्तों आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन में जो भी आप लोग नंबर पर रहेंगे उसी के आधार पर आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। एज क्राइटेरिया के बारे में बताया गया कि आपका जो एज होना चाहिए कम से 21 साल पूरा होना चाहिए और 27 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। जो आपको अपने एज की गणना करनी है दोस्तों 22 फरवरी 2023 के आधार पर करना है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग एज रिलैक्सेशन भी पा सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि कैंडिडेट शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन या इट्स इक्विवेलेंट, तो कक्षा 10 पास होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। देख सकते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट अदर देन स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड वुड बी अकम्पेनाइड विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग दैट सच क्वालिफिकेशन इज इक्विवेलेंट मैट्रिक या 10th पास फॉर सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। देख सकते हैं हैवी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल विथ गियर, ये सब आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर बताया गया 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल, ठीक। एक्सपीरियंस जो होना चाहिए 22/2/2023 के आधार पर यहाँ पर बताया गया है। और ये सब दोस्तों आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जैसे SC ST OBC वालों के लिए दोस्तों 167 सेंटीमीटर होना चाहिए और 80 सेंटीमीटर होना चाहिए यहाँ पर, चेस्ट खुलाने पर 85 होना चाहिए। और रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आँख के बारे में बताया गया है कितना बाय कितना होना चाहिए, ये सब आपका दोस्तों पूरा यहाँ पर डिटेल है, आप लोग देख ही सकते हैं। एज के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो अगर आप दोस्तों एज रिलैक्सेशन लाना चाहते हैं अगर, तो आप अगर SC ST हैं तो आपको 3 साल का छूट मिल जाएगा, सॉरी SC ST हैं तो आपको कितना साल का, यहाँ पर 5 साल का छूट मिलेगा, ठीक। तो अगर आप SC ST हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा, OBC हैं तो 3 साल का छूट मिल जाएगा। और क्वालिफिकेशन में देखिए मैट्रिकुलेशन इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, आर्मी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट और इस या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए एयर फोर्स एंड नेवी का यहाँ पर बताया गया है। और देखिए यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए अप्लीकेशन जो आपका फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों ऑनलाइन मोड में आपका फॉर्म भरा जाएगा, ये आपका ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.CISFrecruitment.in इसी पर आपका फॉर्म भरा जाएगा और किसी अदर मोड से आपका फॉर्म अलाउ नहीं किया जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ नेम ऑफ द एप्लीकेशन रिसीविंग विथ एड्रेस, देख सकते हैं यहाँ पर ये सब डिटेल बताया गया है, उसका डिटेल भी यहाँ पर ईमेल आईडी दिया गया है, सब कुछ एड्रेस दिया गया है। इसका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है दोस्तों 22 फरवरी 2023 इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। डॉक्यूमेंट क्या क्या, फ़ोटोग्राफ कैसे लगाना है, इन सब के बारे में बताया गया है कि 3 महीने से ज़्यादा आपका पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर के बारे में यहाँ पर बताया गया है 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो इम्पोर्ट अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर बात करें तो आपका अप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों 100 रुपये लगेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी EWS और OBC कैटेगरी के हैं, अगर आप SC ST और एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको कोई भी फ़ीस नहीं लगेगा, ठीक। और यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हो चुकी हैं, अब ऐसा कुछ बचा नहीं है। और ये सब दोस्तों देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 800 मीटर रन आपको करना पड़ेगा 3 मिनट 15 सेकंड में, लॉन्ग जंप 11 फीट करना है 3 चांस दिया जाएगा, हाई जंप 3 फीट 6 इंच 3 चांस में। और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन देयर इज नो अपील इन PET और ये सब जो डिटेल है आप लोग देख सकते हैं, कुछ खास नहीं बचा है। तो जो भी स्टूडेंट दोस्तों फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों 23 जनवरी से आप लोग उसका फॉर्म भर सकते हैं, तो अभी ये नोटिस पहले निकाल दिया गया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर। और दोस्तों जिनको भी ये PDF चाहिए वो लोग क्या करें दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर ग्रुप है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें मैं PDF को भेज दूँगा, यहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।